विचार कर रहे थे कि षष्ठाध्याय का जो विषय है, किस कर्म में कौन अधिकारी है, इसके विषय में विचार किया गया है। इसमें कल कुछ अधिकारियों का विशेष विचार किया कि सामान्य रूप से कर्म में वर्णाश्रम विहित कर्म है, इसमें वर्णाश्रम नियम के अनुसार ये अधिकारी होते हैं। विशेष अधिकारियों का प्रतिपादन विशेष स्थान में अलग से किया जाता है। जहाँ विशेष प्रतिपादन नहीं किया है, वहाँ स्वाध्यायो अध्येय इस विधि के अनुसार जिन अधिकारियों का निश्चय किया उनका ही प्रयोग मानना चाहिए। तत्त कामना के अनुसार जो कामना संबंधी कर्मजन्य फल स्वामी बोधक विधि है, कर्मजन्य फल स्वामी संबंध से उसका अपने अपने अधिकारी हो जाए, इस विषय में विचार कर रहे थे। टीका में आगे कहते हैं कि कुछ और भी कारणों से यहाँ अधिकारियों का और भी विचार करते हैं। टीका में बीच में कहा, अनेन च विशेषेण विशेषणे न अंधादेर अनधिकारो भूतः इदमत्र विचार्यते। तो अब सामान्य रूप से अधिकारियों को कहने से विशेष का निर्धारण नहीं हुआ है, तो अब जो भी इच्छा करता है वो कर्मफल प्राप्त करता है, ऐसा कहने पर तो आख्यादान अर्थम ब्रुवदाम शक्ति ही सहकारिणी, ये कहा था कल सामर्थ्य को लेकर के। तो सामर्थ्य में जो सामान्य रूप से जिनके विचार आते हैं, इच्छा आती है कर्म करने के लिए, वो यदि उस अधिकारित्व से योग्यता से शास्त्रीय योग्यता से युक्त हुआ तो वो कर्म कर सकता है, ऐसा मालूम पड़ता है। तो कुछ विशेष अधिकार के बारे में चिंतन करना है कि जैसे विकलांग होगा वो कैसे कर्म करेगा, कि कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ट्रैवलिंग होता हुआ भी जैसे अंध है, बधिर है, मूक है, पंगू है इत्यादि हो, तो वो अधिकारी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये विचार किया।
तब कहते हैं कि ये अंध पंगु बधिर मूक आदि जो है ये अधिकारी नहीं हो सकते। गवास्वाद यहाँ तिर्यंचा और तिर्यंग योनि से जितने भी है वो भी अधिकारी नहीं हो सकते। तिर्यंग यहाँ ऐसे भी है जो पंगु होते हैं जो चार पैर से चलते हैं, ऐसे लेट करके चलना पड़े ऐसे व्यक्ति भी ले सकता है। इस प्रकार के जो है वो अधिकारी नहीं बनेगा क्योंकि अंध होने से कर्म में देख नहीं सकता, पंगु होने से वो प्रदक्षिणा आदि कर नहीं सकता है, बधिर होने से उपरेष्य मंत्र आदि सुन नहीं सकता है और मूक होने से मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता है, तो फिर ऐसे में कर्म सार्थक नहीं होगा, संपूर्ण विधि से प्राप्त नहीं होगा। तब यह प्रश्न होता है ऐसे जो अंधादि योग्य विकलांग होते उनको यदि इच्छा हुई स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए तो क्या करेंगे, उनको सर ये कर्म नहीं कर सकता है तो प्राप्त नहीं होगा, ऐसा बोलने पर एक प्रकार से निंदा होती है। वैसे तो अपने अपने कर्म के अनुसार ही वो पूर्व जन्म से फल प्राप्त करके ऐसे स्थान को प्राप्त किया, ऐसे शरीर को प्राप्त किया जहाँ वो कर्म करने में अक्षम है। पूर्व जन्म में ऐसा कोई पाप किया हो या ऐसा पापों के बारे में पुराणों में चर्चा है, जैसे गरुड़ पुराण है, अब ये देवी भागवत है, ऐसे पुराणों में विशेष रूप से चर्चा की गई है, इनके लिए अलग ही ग्रंथ है जिन कर्मों को लेकर के वो कर्म परिणाम का विस्तार किया है। ऐसे पूर्व में जो पाप किए हैं उन पापों के फल से ही ऐसे शरीर प्राप्त करते हैं, ये तो मालूम ही है, किंतु जैसा भी है प्रारब्धवश वो शरीर को प्राप्त किया, अब यहाँ रहते हुए उनको इच्छा हो गई कि अब कर्म करें तो क्या करना चाहिए, इसके लिए ये आगे इसमें बताए गए हैं देवनी सूत्र आदि अन्यत्र विचार किए हैं कि ये प्रतिनिधि बना करके करेगा, त्रैवर्ण के अधिकारी है तो प्रतिनिधि बना करके उनका काम कर सकता है, स्वयं नहीं कर सकता है, वो प्रतिनिधि के द्वारा करेगा। ऐसा जहाँ जिनका अधिकार विधान किया गया उनके लिए भी इस प्रकार से व्यवस्था धर्मशास्त्र में दी गई, तो ऐसा बना करके वो करेगा, वो पाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित आदि करेगा, क्योंकि वो तो अभी जगत में आया है तो कुछ ना कुछ कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा। तब उसके द्वारा जो निकट प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि के बारे में उनकी लंबी चर्चा है देवनी सूत्र में, किसको कहाँ प्रतिनिधि बना सकता है इसके विषय में चर्चा की। इस प्रकार के जो अंग प्रत्यंग में दोष है जिनका, जो वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान नहीं कर सकता, लोक में भी लौकिक कर्म भी बहुत सारे कर्मों नहीं कर सकते, उनके लिए विशेष सब कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे में एक एक इंद्रिय जिनका नहीं है, दो दो इंद्रिय नहीं है, तो फिर और कठिन हो जाता है, तो इसलिए वो भी अधिकारी नहीं बनते हैं, प्रासंगिक यहाँ टीकाकार ने बताया। अब इस प्रकार से ये जो चार प्रकार की विधियों का विचार चल रहा था वो समाप्त हो गया। ये चार विधियों में दो और विधियां जोड़ी गई थी, पहले कहा था कौन कौन है, गुण विधि और विशिष्ट विधि। गुण विधि कौन सा है, दग्नाजुहोति, और विशिष्ट विधि, विशिष्ट विधि कौन है, सोमेन यजेता। ये दो विधि इसमें जोड़ दिए थे। इस प्रकार से विधि का विचार अब तक छह हो गया, किंतु आगे और बताएंगे दो तीन, ये दूसरे प्रसंग से। ये अभी तक जो विचार किया गया तृतीय अध्याय का, चतुर्थाध्याय का नहीं आया, तृतीय अध्याय, पंचमा अध्याय और षष्ठा अध्याय का विचार में ये विधियों का विचार हो। अब जो है प्रथमा अध्याय में आते हैं, आगे जो वेद का विभाजन है मंत्र विभाग विधि मंत्र, तो विधि मंत्र जो है प्रथमा अध्याय का विषय है, इसलिए मंत्र विभाग अभी आरंभ करते हैं। विधि का विचार होने के बाद वेद का भी दूसरा भाग है मंत्र। प्रयोग समवेदार्थ स्मारका मंत्रा तादृशार्थ स्मारकत्वेनेवार्थवत्वम् न तदुच्चारणम अदृष्टार्थम
සම්භවදි දෘෂ්ඨඵලගත්වේ අදෘෂ්ඨ ඵලකල්පනාය අන්‍යායත්වාද නදෘෂ්ඨස්ය අර්ථස්මරණස්ය ප්‍රකාරාන්තරේණාපි සම්භවන් මන්ත්‍රාම්නානම් ව්‍යර්ථමිති වාච්‍යම් මන්ත්‍රෛරේව ස්මර්තව්‍යමිති නියම විද්‍යාශ්‍රේණාද मंत्र दूसरा वेद का विभाग में मंत्र का किया है। तो मंत्र गुप्त परिभाषण धातु से ये मंत्र शब्द बनता है अच प्रत्यय करने से। नंदी के ही बजादिभ्यो निजुंज जहा इससे अच प्रत्यय करेंगे बजादी में मानकर मंत्र से अच करने से मंत्रा हो जाए तो मंत्र करते मंदारं त्रायते इति मंत्रः ऐसे इसकी परिभाषा दी है निरुक्तकार जो मनन करता है उसकी रक्षा करता है किसी को मंदारं त्रायते इति मंत्रः ऐसा कहा। तो ये मंत्र का सामान्य अर्थ हो गया। इसमें यहाँ लक्षण देते हैं प्रयोग समवेदार्थ स्मारकाः मंत्राः प्रयोग मन अनुष्ठान अनुष्ठान के साथ संबंध किया हुआ तो समवेद मन संबंधित जो अर्थ है विषय है उसका स्मारक स्मरण कराने वाले को मंत्र कहते हैं। जब हम अनुष्ठान करने प्रारंभ करते हैं तत्त्व कार्य में कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए तत्त्व काल में कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए पूर्वापर का स्मरण कराता है ऐसा स्मरण मंत्र के द्वारा होता है। प्रयोग समवेदार्थ स्मारक मंत्र यही मीमांसकों के यहाँ मंत्र की व्याख्या है। ऐसा जैमिनी सूत्र में तच्चोदगेषु मंत्राख्या ऐसा मंत्र का लक्षण दिया है। तच्चोदगेषु मंत्राख्या चोदक मन यही है प्रयोग को समर्थन करने वाले वाक्य का जो निश्चय है वही मंत्र होगा। चोदक तच्चोदगेषु मंत्राख्या कहा ये मंत्रों का तीन प्रकार का ऐसा भेद माना है। एक है करण मंत्र दूसरा क्रियमाण मंत्र तीसरा अनुमंत्रण मंत्र इनका तीन विभाग माना है। करण मंत्र क्रियमाण मंत्र अनुमंत्रण मंत्र। करण मंत्र को कहते हैं जो पहले उच्चारण करके बाद में कर्म किया जाता है पूर्व उच्चार्य अंते कर्म क्रियते स करण मंत्र पूर्व मंत्र में उच्चारण करेगा बाद में कर्म किया जाता है ऐसे कर्मों के संबंध में जो मंत्र है वो कर्ण मंत्र कहलाता है। और दूसरा है क्रियमाण मंत्र। क्रियमाण का मतलब जब क्रिया जारी है उस समय किया जाता है मंत्र उच्चारण समकालमेव क्रियते मंत्र उच्चारण समकाल ही क्रिया होती है तो क्रिया के समकाल मंत्र का उच्चारण होता है उसको क्रियमाण मंत्र कहते हैं। बोल करके क्रिया करनी पड़ती है पहले मंत्र उच्चारण के बाद क्रिया करनी पड़ती है दोनों में अंतर होता है। फिर उसके बाद है अनुमंत्रण मंत्र अनुमन पश्चात तो कर्म अनुष्ठान के अनंतर बाद में पाठ किया जाता है। तीन हो गया पहले और बीच में और बाद पहले वाले मंत्र उच्चारण करके बाद में अनुष्ठान होगा दूसरे में मंत्र का पाठ करता हुआ अनुष्ठान होगा तीसरे में मंत्र पढ़ने के बाद में अनुष्ठान होगा। मंत्र मैंने कर्म के बाद क्रिया के बाद मंत्र का अनुष्ठान होगा मंत्र उच्चारण करेगा तो एक बाद में है एक पूर्व में है एक समकाल में ऐसा तीन स्थान में मंत्र को पढ़ा जाता है।
और उसमें मंत्रों का अनेक भेद बताया है, ये इस तरह सारा पर विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारे भेद मंत्रों का है। तो अष्टादश भेद एक प्रकार से बताया है, और भी बहुत सारे भेद बताए हैं कि इसमें जैसे मंत्रों का उच्चारण में भी अलग अलग स्थान में अलग अलग नियम बताया है कि जहाँ उच्चैर उच्चारण होता है और उपांशु उच्चारण होता है और जप के रूप में उच्चारण होता है, इनको उच्चारण करने की भी विधि भी अलग अलग प्रकार से, ऐसे उच्चारण भी अलग अलग किए जाते हैं। और कुछ मंत्र जो ऐसे होते हैं कि अभी जैसा बताया प्रयोग समवेदार्थ स्मारक मंत्र होते हैं, तो कुछ जो है स्तुति रूप में भी मंत्र होते हैं, स्तुति रूप में रहता है जिसका उच्चारण किया गया है। और कुछ जो है स्वाहांत होता है, आमंत्रण रूप होता है और प्रेष्य रूप होते हैं, ऐसे ऐसे अनेक रूप में मंत्रों का विधान है। इन मंत्रों का जैसा लक्षण देखने पर इसमें कैसे कैसे लक्षण मालूम होते हैं कि कैसा मंत्र को पहचानना है, ये पूरे वेद में ये मिल करके आता है। जैसा विधि आते हैं नियम विधि, जैसे जैसे विद्या बताए विद्या भी ऐसे साथ में रहेंगे, मंत्र भी उसी के बीच में रहेगा, तो उसमें से आपको मंत्र को अलग करना पड़ेगा और बाकी विधि वाक्य को अलग करना पड़ेगा। जैसा स्वर्ग काम हो येदा, ये विधि वाक्य है, मंत्र नहीं है। अब वो कैसे पता चलेगा, वो तो साथ में आएगा, सब मिला के आएंगे। तो उसमें कुछ विद्वानों ने इस प्रकार से उसका विभाजित करके बताया कि इन इन कारणों के द्वारा वो मंत्र कहा जाता है। जैसे उत्तम आमंत्रण अस्यंत त्वांत रूपादि अभावतः, ऐसा कहा है कि मंत्र को पहचानने का एक साधन है उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा, दूसरा है आमंत्रण रहेगा, वहां संबोधन शब्द रहेगा, और अस्यंत असी जो मध्यम पुरुष का अस्यंत रहेगा, असी रहते हैं मध्यम पुरुष का प्रयोग रहेगा, और त्वांत रहेगा, इत्यादि नमूना बताया। इनको संदेह करके मंत्र आप समझ सकते हैं। उत्तम पुरुष का प्रयोग वाले भी होते हैं और आमंत्रण से भी, और अस्यंत है और त्वांत है, इन सबका मंत्र विभाजन होता है। जैसे अग्नये जुष्टम निर्वपामी, ये मंत्र है क्योंकि अग्नये जुष्टम निर्वपामी में उत्तम पुरुष का प्रयोग किया, निर्वपामी गच्छामी मिप का प्रयोग किया, और अग्नये यशस्विन यशसे समर्पय, अग्नये यशस्विन ये मंत्र है क्योंकि अग्नये है, अग्नये संबोधन आया, और यशसे समर्पय पूर्वी चासी वसी चासी, ये चास असी आया, मध्य पुरुष का प्रयोग आया, तो पूर्वी चासी वसी चासी ये सब जो है मंत्र में आया है। और ईशेत्वा ऊर्जेत्वा ये त्वांत है, ईशेत्वा ऊर्जेत्वा ये मंत्र है क्योंकि इसमें त्वा त्वा आया, आपको हमेशा ईश आप उज्ज्वल है, आप यशस्वी है इत्यादि संबोधन करके त्वा का प्रयोग किया। इन सबसे सामान्य रूप से मंत्र का रूप मालूम कर सकते हैं। वैसा ज्यादा स्तर ये संबोधन रूप में मंत्र रहते हैं, और ये जो क्रिया संबंधी मंत्र होगा तो उसमें ईशेत्वा जैसा उर्वी चासी या उत्तम पुरुष का प्रयोग संबंधी भी रहता है। ऐसे मंत्रों को पहचानना, पूरे वेद से स्थान के मंत्रों को अलग करते हैं फिर उससे पढ़ा जाता है। तो ये सारे मंत्र प्रयोग समवेद स्मारक होते हैं, यदि इन मंत्रों को नहीं देखेंगे जानेंगे नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। जैसा हम मंत्र को कहते हैं श्लोक में आया है उसको मंत्र कह देते हैं, किंतु श्लोक में आने मात्र से मंत्र नहीं है, मंत्र तो श्लोक में भी आता है और इनके हिसाब से ब्राह्मण भाग में भी आता है। कि ब्राह्मण भाग जो वेद की व्याख्या रूप है, ये प्रसंग से ऐसा उसका लक्षण दिया है, शेषे ब्राह्मण शब्द, ये ऋग्वेद सामादि का लक्षण दिया, लक्षण देने के बाद में कहा कि शेषे ब्राह्मण शब्द, शेष में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग होता है, तो शेष मन बाकी जो बच गया
तो बाकी बचने से वहां ऋक यजु साम तीन का लक्षण दिया है कि ऋक यदार्थवशेन पाद व्यवस्था व्यवस्था ऋक शब्द का लक्षण दिया कि ऋक किसको कहते हैं, जहां यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था, अर्थ के अनुसार पाद की व्यवस्था, यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था, ये ऋक कहे जाते हैं। और गीदिशु सामाख्या, जो गान कर किए जाते हैं वो साम, उसका नाम है गीदिशु सामाख्या। वो यहाँ पाद व्यवस्था से ऋक का ग्रहण किया गया, उसी को ही साम कहते हैं। कुछ अलग मंत्र होते हैं बाकी ऋद्यद्युडगम सामा, सांदोग्य उपनिषद में आया ना, ऋग में ही साम प्रतिष्ठित होता है। शेष है यजु शब्द, बाकी को यजु शब्द से कहते हैं। तो ये जो जितने मंत्र प्रयोग में आते हैं अनुष्ठान के समय में, वो यजुस का ही ज्यादा होता है, इसलिए यजुर्वेद की बहुत महत्ता है। उसमें भी अध्वर्यों को भी महत्ता उसी से, क्योंकि उसमें छंद भी नहीं रहेगा और गीदी भी नहीं रहेगा और बहुत सारे प्रश्लिष्ट अर्थ शब्द भी वहां रहेगा, जैसा स्वाहा स्वदा वषट वौषट भट अस्त्राय भट इत्यादि जो हुम भट, ये सब शब्द उसमें रहेगा। इन सबको देकर के उसको यजुष मंत्र समझना। तो ये इस प्रकार से इन लक्षणों को देख करके वेद व्यास जी ने ये तीनों को अलग किया। पहले ये सब एक जैसा मिले हुए थे, उसको अलग नहीं किया था, बाद में वेद व्यास जी ने इसको एडिटिंग किया, ये सारे जैसे लक्षण दे करके, जो ऋग का लक्षण वाले ऋग्वेद में रखा और जो ऋग्वेद संबंधी कर्म में जो प्रयुक्त होते हैं उनको ऋग समझा और उस ऋग्वेद में रखा, और गीत प्रधान को सामवेद में रखा और बाकी को यजुष में रखा। इस प्रकार से व्यवस्था करके तीन वेद को अलग किया और शेष में अथर्ववेद है, अथर्ववेद को चार को अलग किया। ऐसा प्राश्चित आदि कर्म जो आता है वो अथर्ववेद में ज्यादा है, इसके कारण उसको अलग रखा। ये ब्रह्मा जी के संबंध में, वो ब्रह्मा जो करेगा वो अथर्ववेदीय ऋतिक करेगा, ऐसा करके व्यवस्था करके रखा। इसलिए मंत्र कहने से मीमांसा में श्लोक ही मंत्र नहीं है, मीमांसा में मंत्र का अर्थ यही है, प्रयोगार्थ संवेदार्थ स्मारक मंत्रा, और इन लक्षणों से युक्त होना चाहिए। फिर इन मंत्रों का जप भी एक उच्च ही जप किया जाता है, उच्च स्वर में जिसका अनुष्ठान किया जाता है, और कुछ मंत्रों का उपांशु जब किया जाता है, धीरे से बोला जाता है, ये सब वहाँ कहा गया। जैसे गायत्री मंत्र आदि है, जब दीक्षित व्यक्ति उसका उच्चारण करे तो उपांशु करना चाहिए, वो उच्च ही नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है, तो वो तत्व स्थान में वैसा प्रयोग में आता है। ये ही मूल में कहा कि प्रयोग समवेदार्थ स्मारक मंत्रा तेषां च तादृशार्थ स्मारकत्वेनैव अर्थवत्त्वम्। इन मंत्रों का इस प्रकार के अर्थ का स्मारक होता हुआ, तादृश मन अनुष्ठान अर्थक, अनुष्ठान अर्थक स्मारक के द्वारा ही अर्थवत्व है, न तु तदुच्चारणम अदृष्टार्थम। अब यह दृष्टार्थ अदृष्टार्थ की बात होती है, पहले कहा गया था, एक परिभाषा आई थी, लभ्यमाने फले दृष्टे न अदृष्टार्थ कल्पना, कि जब दृष्ट फल प्राप्त होता है अदृष्ट की कल्पना नहीं करते। तो ये जो मंत्र आदि है इनका उच्चारण अदृष्ट के लिए नहीं है, ये दृष्टार्थ है, क्योंकि मंत्र का उच्चारण करने के बाद आप प्रयोग में कर्म करते हैं, तो देखा गया है, अथवा जैसा करण कर्म है, क्रियमाण कर्म है, अनुमंत्रण मंत्र है, तो जैसा भी हो वो कर्म वहां देखा जाता है, इसलिए तद उच्चारण अदृष्टार्थम न, उसका उच्चारण अदृष्टार्थ है ये नहीं मानना, मतलब मंत्र का उच्चारण करेंगे अदृष्टार्थ होगा, अदृष्ट उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं मानना, ये दृष्ट प्रयोजन वाले ही मंत्र होते हैं। संभवदि दृष्ट फलगत्वे अदृष्ट कल्पनायाः अन्यायत्वा, ये नियम है, लभ्यमाने फले दृष्टे न अदृष्टा फल कल्पना, ये कहा गया है कार्तिक में। तो दृष्ट फल जब देखा जाता है, किसी भी प्रकार दृष्ट फल देखा जाता है, उसका अदृष्ट फल की कल्पना नहीं होती, दृष्ट फलगत्वे अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वा।
नच दृष्टस्य अर्थस्मरणस्य प्रकारांतरेणापि संभवात् मंत्रामनानं व्यर्थम् इति वाच्यते। तब यहाँ प्रश्न होता है कि यदि मंत्र का उच्चारण करना दृष्टफल ही है, इसका मतलब इसका प्रयोग सामने देखा जाता है दृष्टफल ही है, ऐसा मानेंगे तो ये कहावतें आ जाएगी कि आप मंत्र के उच्चारण किए बिना अन्य प्रकार से भी कर सकता है, अन्य प्रकार से भी उसका स्मरण करना, प्रयोगार्थ स्मारक होना चाहिए, प्रयोगार्थ स्मरण अन्य प्रकार से भी आप कर ले तब हो सकता है। उच्चारण करना क्या आवश्यक है, कैसा प्रयोग करना है उसको पुस्तक आदि से देखे या अन्य प्रकार से सुन करके समझे कि मंत्र के साथ उसका क्या संबंध है, मंत्र ही होना चाहिए क्यों कहा। तो कहते हैं न च दृष्ट अर्थस्य स्मरणस्य प्रकारांतरेण भी संभव, प्रकारांतर से भी हो जाने से मंत्रामनान व्यर्थ विधि वाच्य, मंत्रामनान व्यर्थ है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों मंत्रैरेव स्मर्तव्य नियम विधियाश्रयणा, क्योंकि मंत्रों के द्वारा ही स्मरण करना चाहिए, ये नियम विधि हो जाता है। जैसे व्रीहीन अवहंती आया, व्रीहीन अवहंती में अन्य प्रकार से भी भूसा को अलग निकाला जा सकता है, तो भी वहाँ नियम विधि बनाया कि वो उसको कूट करके ही निकालना चाहिए, अन्य प्रकार से नहीं निकालना चाहिए। इसी प्रकार प्रयोगार्थ स्मारकत्व जो प्रयोजन है वो मंत्र के द्वारा ही होना चाहिए, अन्य प्रकार से नहीं कर सकते, मंत्र उच्चारण करने के बाद ही डालना। जैसा आप इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए आहुति डालना चाहते हैं तो इंद्र का आहुति डालने के लिए वो मंत्र पढ़ना पड़ेगा, मंत्र पढ़ने के बाद ही इंद्र का स्मरण होगा, वो इंद्र में स्मरण होकर के स्वाहा का उच्चारण करेगा तो वो यजु संबंधी का कार्य है वो वहाँ संपन्न होकर के वो कार्य पूरा होगा। तो स्वाहा बोलने के बाद डालना है, ये पहले मंत्र बोलेंगे, इसको करण मंत्र है, ये पहले मंत्र बोलेंगे बाद में उसका प्रयोग होगा, ऐसा। इसीलिए यह मंत्र के द्वारा ही स्मरण माना जाएगा नियम विधि आश्रयणत्व, और मंत्रों का अर्थ जो है पहले से स्वाध्याय विधि से प्राप्त कर लेना होता है। मंत्र का अर्थ का ज्ञान आपको वो भी दृष्ट प्रयोजन में है, मंत्र का स्मरण भी यहाँ दृष्ट प्रयोजन में है, वो देखा गया है, इसलिए अदृष्ट की कल्पना नहीं होगी, किंतु इससे अपूर्व उत्पन्न होगा। मंत्र के द्वारा ही वो आहुति डालने से अपूर्व उत्पन्न होता है, मंत्र बिना आहुति डालने से कुछ फल नहीं होता है। ना अमंत्रगम कर्म, अमंत्रक कोई भी कर्म नहीं होता है, कोई भी विधि अमंत्रक नहीं होता है, जो मंत्र नहीं पढ़ सकता, मंत्र नहीं बोल सकता, उसको कर्म नहीं करना चाहिए। कई लोग अमंत्रक कर्म करते हैं, करने को आता है लेकिन मंत्र पढ़ने नहीं आता, ना मंत्र नहीं पढ़ता, वो ऐसा नहीं है। जहाँ मंत्र पढ़ने के लिए बोला है मंत्र पढ़ करके ही करना पड़ेगा, वो सभी के लिए मंत्र है, तो अमंत्रक कोई क्रिया नहीं होती, मंत्र पूर्वक क्रिया होती। इसलिए जो पूजा पाठ आदि करते हैं, जो जो जहाँ जैसा मंत्र है उन मंत्रों को करके ही उसको करना चाहिए। अब जहाँ अन्य स्थिति में है तो उपांशु कर सकते हैं, किंतु करना जरूर चाहिए, इससे मंत्र आदि के पढ़ने से कार्य करने में आलस्य करता है तो बाद में उसका फल भी प्राप्त नहीं होता, फल भी दूर ही हो जाता है, समय पर फल प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ अंतिम में मंत्रैरेव स्मर्तव्यम ऐसा आया, मंत्रों से ही स्मरण करना चाहिए। यहाँ नियम विधि आश्रयणा, नियम विधि का आश्रय लेना चाहिए कहा। अब ये नियम विधि तो अभी तक पढ़ा नहीं है, तो इसलिए अभी नियम विधि के बारे में बता रहे हैं, ये प्रथमा अध्याय का विषय है, प्रथमा अध्याय में नियम विधि के संबंध में विचार किया गया, ये मंत्र के विचार भी प्रथमा अध्याय में है। नियम विधि का लक्षण देते हैं, नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तो अप्राप्तस्य पर साधनस्य प्रापको विधिर नियम विधि। नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तो अप्राप्तस्य पर साधनस्य प्रापको विधिर नियम विधि। नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तो
लक्षण है नियम विधि का, नाना साधन साध्य क्रियाया, नाना मन अनेक, अनेक साधनों से साध्य है जो क्रिया, उस क्रिया में एक साधन प्राप्त, एक साधन प्राप्त होने से, माने अनेक साधनों से वो क्रिया संपन्न हो रही है, उनमें एक साधन की ही प्राप्ति होने पर, अप्राप्तस्य अपर साधनस्य, और दूसरा साधन अप्राप्त है, अप्राप्तस्य अपर साधनस्य, अपर दूसरा अपर साधन अप्राप्त है, ऐसे स्थिति में जो अप्राप्त अपर साधन है उसका प्रापक विधि को नियम विधि कहते हैं। माने दो या दो से अधिक हो, दोनों या दो से अधिक साधनों से एक कार्य संबंध हो रहा, ऐसे में वहां विकल्प होता है, विकल्प होने पर एक साधन प्राप्त है दूसरा प्राप्त है, तो एक साधन के प्राप्ति दशा में इधर साधन के अप्राप्ति दशा रही, इधर साधन आप नहीं लेंगे तो उसका पूरण करेगा यह नियम विधि, बोलेगा जो आप प्राप्त करा रहे उसको छोड़ के वो लेना पड़ेगा, ऐसा बोलेगा। अब यहाँ यह ऐसा अभी आया कि प्रयोगार्थ स्मारक मंत्रा कहने पर पूर्व पक्ष ने कहा कि प्रयोगार्थ स्मारकत्व अन्य रूप से भी सिद्ध हो सकता है, अन्य प्रकार अंतर से भी होते, जैसे टेप रिकॉर्ड रख करके आप सुन करके भी कर सकता है, प्रयोग का स्मरण हो जाता है उसमें, ऐसा करेंगे तो मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तो मंत्र से भी स्मारकत्व है, उसमें भी स्मारकत्व है, ऐसे में अन्य कार्य से हम करेंगे जल्दी हो जाए, मंत्र पढ़ने का उच्चारण नहीं आता है, स्फुट उच्चारण नहीं आता, कर नहीं सकता है, गलत हो जाएगा, कई लोग जो है शर्माते हैं, पहले तो पढ़ते नहीं, और नहीं पढ़ते हैं तो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो चार पांच लोगों के बीच में बैठ के बोलने के लिए शर्माते हैं, तो बोलेंगे नहीं, बोल नहीं बोलते हुए बच जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे लोग विद्यार्थी नहीं बन सकते, ऐसे विद्या संपादन भी नहीं होता है उनका, तो पहले विद्यार्थी को ये होना चाहिए, अपने स्वाभिमान का त्याग होना चाहिए, गलत बोले कोई बात नहीं, गलत बोल रहे गलत हो गया, इसी तो सीखने के लिए आया, पढ़ने के लिए आया, पहले सही जानता है तो क्यों पढ़ने के लिए आया, इसीलिए जो उम्र बढ़ जाते हैं ना, उम्र बढ़ा हुआ लोगों को पढ़ाना नहीं चाहिए, तो कोई लायक बनेगा नहीं, क्योंकि उनके अंदर तो इतना अभिमान फूट के भरा हुआ होता है, जो आचार्य बोलेगा वो सुनेगा नहीं, पहले अपने को मानता है बड़ा, हम तो बड़ा पढ़ा लिखा है, हम तो डिग्री पास करके आया, पूरा दुनिया को घुमा के आया, फिर ऐसे में ये क्या होता है, ऐसे सोचते हैं तो ये अभिमान रहता है, उनका अभिमान को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, अब अभिमान को तोड़ने आप जाएंगे फिर उनको कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी होने से फिर वो विद्यार्थी पर उसका चला जाता है, इसीलिए विद्यार्थी होना एक बहुत बड़ी कला है, कितनी उम्र भी हो कैसा भी हो विद्यार्थी होना का, इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में इसको बचपन से सिखाना का, बचपन में बच्चों को क्या है जो टीचर बोलेंगे वैसे सुनेंगे, सुन करके वो तैयार हो जाता है, तो वो ईगो नहीं रहता, ईगो होने के बाद नहीं पढ़ सकते, क्यों सुनता नहीं इतना, करने के लिए बोलो ये करो को बोलो नहीं सुनता है, और वो सोचते हैं अपने को महान सोचते हैं, फिर ये आ जाएगा बोलेगा नहीं, तो इसलिए मंत्र नहीं बोलते लोग, अब जानता नहीं है ये बोलना नहीं चाहते, जानता नहीं है ये तो सच्ची बात है, उच्चारण करना नहीं आता, जानता नहीं आता, अभ्यास करो बोलता नहीं करता, क्योंकि ये बन जाता है स्वाभाविक बन जाता है, बड़ा होने के बाद एक दिक्कत आ जाती है, और वो बनते बनते फिर क्या होता है कि एक बीमारी जैसा हो जाता है, मानसिक रोग हो जाता है, तो किसी भी चीज़ में आप आगे बढ़ेगा नहीं, पीछे हटके रहेगा, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शर्माते हैं बचपन में, कई बच्चे रहते हैं हमारे स्कूल में भी कई बच्चे थे, कुछ शर्माते हैं वो आगे आने में डरते हैं, ऐसा ही बड़ा होने के बाद भी हो जाता है, अपना कार्य तो करेंगे बाकी कार्य में नहीं करेंगे, ऐसे में खतरा है, आध्यात्मिक ज्ञान में कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता, उससे बाहर आना पड़ता है, वो बाहर आने में मुश्किल है, इसीलिए आप देखिए जो अष्टम 8 वर्ष में 11 साल में 12 साल में जो भी उपनयन करने के बाद उसको सिखाने के लिए इसलिए स्कूल में भेजने के लिए कहा, उस उम्र में जो कहता है ये करो बोलता वो करता है, ऐसा करो तो ऐसा करता, उस समय इधर उधर सोचता नहीं, उसका अभिमान नहीं है, एकदम नया है, जो सिखाते हैं सिखाएंगे, और बाद में जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा फिर नहीं जाएगा, छेद केतु को पिताजी ने कहा दोबारा तुम गुरुकुल जा करके तम आदेश अविज्ञातम, तो वो उन्होंने कहा हमने हमारा गुरु ये जानते नहीं, हम दोबारा जा रहे हैं, देखो उतना अभिमान आया, अभी पढ़ के आया फिर दोबारा सुनने के लिए बोला तो वो अभिमान है, क्योंकि वो तो 24 साल पढ़ के आया है ना, चतुर्विंशति
अनुजानमान स्तब्धा येदा है, वो बहुत पढ़ लिख करके स्तब्ध जैसा खंबा जैसा आ गया, मतलब वो विनय नहीं ऐसा आ गया। अब ऐसे ही आते हैं सब, विनय नहीं रहता, उनको विनय बनाना पड़ता है, विनय बनाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्तब्धा ये जो बोला, जब 24 साल छोटा गया, उनको ऐसा हो गया वहां जाके 24 साल पढ़ने के बाद में आकर के खंबा जैसा खड़ा, खंबा जैसा खड़ा रहने का मतलब वो विनय भाव से व्यवहार नहीं किया, ऐसे में कहां विद्या आए, नहीं आए। इसीलिए कुछ और उपाय ढूंढ लेंगे, तो कहते हैं ये और उपाय से यहाँ काम नहीं चलेगा, यहाँ तो आपको उच्चारण सीखना पड़ेगा, तो उच्चारण ही सीखना। 10 लोगों के बीच में बैठ के सीखने में फायदा है, क्योंकि वो दूसरा भी सुनेंगे तो आप जोड़ा ये रहेंगे। अपना कमरे में बैठ कर कितने पढ़ते रहो, होने वाला नहीं। लोग सोचते अपने कमरे में बैठ कर उच्चारण करके सीख लेंगे, नहीं होता है। आजकल जो वो ना ये इसमें आता है ऑनलाइन में और ये वीडियो में क्या क्या है वो सब देख करके वो स्वयं बैठ करके पढ़ने के सोचते हैं, नहीं हो पाता है। इसके लिए कुछ कारण है, क्योंकि वो जो गुरु शिष्य से संबंध करके जो होना चाहिए उसी से ऐसे ही होना चाहिए, और गुरु का डांट भी मिलना चाहिए, ये सब करके तभी ठीक होता है, उसके बिना नहीं होते। वो ऐसा करेंगे तो लोग उसको क्या क्या समझ लेते हैं, कैसे समझ लेते हैं, वो सब मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये प्राप्त है अप्राप्त है दोनों है, तो ये को छोड़ देते हैं, जो कठिन रास्ता है उसको आप छोड़ेंगे। जैसा अभी चावल को भूसा निकालने के लिए कहा, भूसा निकालने जो है मशीन से भी संभव है, अजो मशीन में लगा तो फटाफट भूसा निकाल के दे देगा, और कूट करके भी निकालना है। अब वो कूट करके निकालने में इसमें कठिनाई, तो कूट करके निकालने में बहुत कठिनाई है, तो क्या करेंगे आप, उसको अपनाएंगे इसको छोड़ देंगे। इसलिए बोल रहे कि एक कार्य में अनेक प्रकार से करना प्राप्त हो, तो जो करने के लिए आप तैयार है वो सही नहीं है, जो सही रास्ते से करना है उसी को करना पड़ेगा। तो मंत्र पढ़ करके ही कर्म करना, करण कर्म होगा, करण मंत्र होगा, तो वो करण मंत्र पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही कर्म करना पड़ेगा। और क्रियमाण मंत्र होगा तो क्रियमाण मंत्र पढ़ करके ही क्रिया करनी पड़ेगी, और अनुमंत्रण होगा तो कर्म करने के बाद पढ़ना पड़ेगा जैसा भी, किंतु करना तो उसी रास्ते से, ये नियम बताता है। यथा विधिरत्यन्तम् अप्राप्तो नियम पाक्षिके सति, तत्र चान्यत्र च प्राप्तो परिसंघे दिगीयत इति। अस्यार्थः प्रमाणान्तरेण प्राप्तस्य प्रापको विधिरपूर्वविधिः, यथा यजेद स्वर्गकामः इत्यादि। स्वर्गार्थयागस्य प्रमाणान्तरेण प्राप्तस्य अनेन विधानात्, वार्तिक दे रहे हैं यथा आहु वार्तिक का रहा, ये बोलना चाहते हैं वार्तिककार इस विषय में, ये कहा है विधि अत्यंत अप्राप्त नियम पाक्षिके सरी, लक्षण दे रहे हैं, ये श्लोक याद रखना चाहिए, ये सर्वत्र ये काम आता है कि अत्यंत अप्राप्त विधि ही, अत्यंत अप्राप्त होने पर यानी अभी तक आपको प्राप्त है ही नहीं, उसको कहते हैं विधि, इसका नाम अपूर्व विधि है, जो विधि आप पढ़ के आया उसी के अंतर्गत है। ये अपूर्व विधि, उत्पत्ति विधि, प्रधान विधि एक ही होते हैं, उत्पत्ति विधि को यहाँ अपूर्व विधि कहते हैं और प्रधान विधि भी कहते हैं, अपूर्व विधि उत्पत्ति विधि एक है। तो विधिर अत्यंत अप्राप्त, विधिर अत्यंत अप्राप्त के स्थिति, यहाँ पूर्वाध्याय में इसको अपूर्व विधि कहा जाता है, जब वो द्वितीय तृतीय अध्याय में उसको उत्पत्ति विधि आदि भी कहा जाता है। ये वार्तिक है, तंत्र वार्तिक इसको कहते हैं, कुमार भट्ट का वार्तिक है, प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद में वार्तिक है।
और नियम पाक्षिकेशन, ये नियम विधि है, दूसरी विधि। पाक्षिक माने पक्ष में प्राप्त, पक्ष में अप्राप्त, एक पक्ष में प्राप्त है एक पक्ष में अप्राप्त, जैसा व्याकरण में होता है ऐसा ही। तो पक्ष में अप्राप्त को प्राप्त कराएगा नियम पाक्षिके सती। अच्छा, और तीसरी एक विधि है, ये आगे विचार करेंगे इसका। तत्र च अन्यत्र च प्राप्तो परिसंघेति गीयते, वहां भी प्राप्त है अन्यत्र भी प्राप्त है, मतलब दोनों प्रकार से प्राप्त है, उसमें से एक को लेना होगा तो उसको परिसंख्या विधि कहते। ये नियम और परिसंख्या में अंतर है, नियम में दो कर सकता था किंतु आपने एक को दिया एक को छोड़ दिया, और परिसंख्या में दोनों प्राप्त है उसमें से चुना जाता है, एक को करने को चुना जाता है, ये परिसंख्या आगे आएंगे। जैसे यथा यजेद स्वर्गकामः इत्यादि, यजेद स्वर्गकामः या पूर्व विधि भी करते, ऐसे ही इसको उत्पत्ति विधि भी करते। अपूर्व विधि कर्म मात्र बोधक, वो विधि का था ना, कर्म मात्र का बोध कराता है, तो वहाँ जो है वो कर्म का नाम लेते हैं, यही अंतर है कि वो स्वर्ग काम जैसे पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम यजेदा ये बोलेंगे वहाँ। तो ये अपूर्व विधि है, यहाँ क्या है कि स्वर्ग जाने के लिए याद करना चाहिए और कहीं से आपको प्राप्त नहीं, स्वर्ग जाना चाहते हैं तो याद करने से स्वर्ग जा सकता है या और कहीं प्राप्त नहीं, इसलिए अत्यंतम अप्राप्त है, लोक में कहीं भी ये प्राप्त नहीं, अत्यंतम अप्राप्त विधि अपूर्व विधि। स्वर्ग स्वर्गार्थक यागस्य प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य अनेन विधान, ये कहे स्वर्गार्थक जो स्वर्ग संबंधी जो याग है वो प्रमाणांतर से बिल्कुल अप्राप्त होने से ये विधान किया जाता है। तो अब ये विधान नहीं होता तो ये याग करने से स्वर्ग जाएगा ऐसा किसी को कहीं से मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको अपूर्व विधि कहा है। ये तो अपूर्व विधि का लक्षण हो गया जो श्लोक में आया हुआ है, विधि अत्यंत अप्राप्त हो नियम पाठ्य के सदी तत्र अन्यत्र प्राप्त हो परिसंघेद गीयते, इस श्लोक में कहा गया। तो तीनों विधि के बारे में वहाँ संक्षेप में कहा, अब उसका विस्तार कर रहे हैं। इसमें जो नियम विधि है इसका एक उदाहरण देना चाहते, पक्षे अप्राप्तस्य प्रापको विधिर् नियम विधिः, पक्षे अप्राप्तस्य प्रापको विधिर् नियम विधिः, यथा व्रीहीन वहन्ति इत्यादिः, कथमस्य पक्षे अप्राप्त प्रापकत्वमिति चेदित्थम्। अनेन हि अवघातस्य वैदुष्यार्थत्वं न प्रतिपाद्यते अन्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात्। किन्तु नियमः स च अप्राप्तांशपूरणम् वैदुष्यस्य हीनानोपायसाध्यत्वात् यदा अवघातं परित्यज्य उपायान्तरं ग्रहीतुमारभते। तदा अवघातस्य अप्राप्तत्वेन तद्विधाननामकमप्राप्तांशपूरणमनेन विधिना क्रियते। अधश्च नियमविधो अप्राप्तांशपूरणात्मको नियम एव वाक्यार्थः। पक्षे अप्राप्तावघादस्य विधानमिति यावत् Thank you.
पक्षे अप्राप्तस्य प्रापको विधि नियम विधि, जो नियम विधि का लक्षण है जो मूल श्लोक में कहा उसी को कह रहे हैं। पक्ष में प्राप्त नहीं है, अप्राप्त है, पक्षे अप्राप्तस्य प्रापक, प्राप्त कराने वाला जो विधि है उसको नियम विधि कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ अर्थांतर किसी से प्राप्त नहीं है, प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं है, एक प्रमाण एक तरफ प्राप्त है दूसरा प्राप्त है, ऐसे स्थिति में ये नियम करता है। यथा ब्रीही नवहंती इत्यादि, ब्रीही नवहंती ये नियम विधि में माना गया है। क्यों? क्योंकि कथमस्य पक्षे अप्राप्त प्रापकत्व विधि ये दिखता, इसमें पक्ष में अप्राप्त प्रापकत्व कैसा है, एक पक्ष में अप्राप्त है उसका प्रापक ये विधि बनेगा कह रहे हैं, कैसे अप्राप्त है इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कथम अस्य अस्य वाच्यस्य पक्षे अप्राप्त प्रापकत्व, तो अप्राप्त प्रापकत्व कैसा है पक्ष में, तो इत्थम एवं प्रकारेण ऐसा है। अनेन हि अवघादस्य वैदुष्यार्थत्वं न प्रतिपाद्यते अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात्, कि ये नहीं समझना है कि व्रीही नवहंती इससे अवघाद का वैदुष्यार्थत्व, वैदुष्य मन विदुषीकरण, तुषा विमोचन, तुषा मन जो भूसा होता है चावल के जो छिलके होते हैं उसको अलग करना उसको तुषा कहते हैं, तुषा विमोचन को हम वैदुष्य कहा, तुषा को अलग कर देना। अनेन ही अवघादस्य वैदुष्यार्थत्व, तुषा को अलग करना ये प्रयोजन न प्रतिपाद्य, उसका प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं कि चावल को तुषा से अलग करो, ये विधान नहीं है। क्यों? उसका अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्व, ये जो है पहले से ही सिद्ध है, विदुषी भाव रूप जो प्रयोजन है ये पहले से ही अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध है। किंतु नियम वो ये जो विधि है उसमें नियम बताता है, वैदुषीकरण का विधान ये नहीं करता है, वैदुषीकरण का विधान तो वो प्राप्त है उसको अलग करना चाहिए ऐसा अन्वय व्यतिरेक से प्राप्त है। क्योंकि यहाँ अन्वय व्यतिरेक ऐसा लगेगा कि यहाँ जब अवघात नहीं करेंगे इसको, चावल को अलग नहीं करेंगे तो आप जो है आगे पुरोड़ाशादी को बना नहीं सकते, तो पुरोड़ाशादी बनाना है तो चावल भूसा से अलग करना पड़ेगा, इस प्रकार से वो प्राप्त है। ऐसे में उसका विधान की आवश्यकता नहीं, किंतु किसका विधान आवश्यक है कि नियम का विधान करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि सजा अप्राप्त अंश पूर्णम, वो अप्राप्त अंश को पूर्ण करता है, यानी ये तुषा का विभोग करने के जब कहेगा, तुषा को अलग करने के लिए जब कहेगा किसी को, वो सोचेगा हम कैसे जल्दी कैसे आसानी से इसको कर सकता है, और अनेक विधान है वहाँ, अनेक प्रकार से करने का तात्पर्य होगा उसका, एक तो नखून से एक एक निकाल करके अलग कर सकता है, और जो है साधनांतर को जैसा ये कूटने का साधन है मिशन है मिक्सी आदि है जो भी है उसी में डाल करके उसको अलग किया जा सकता है, जो यंत्र के द्वारा करा जा सकता है, तो ये अन्य प्रकार से करने के लिए आसानी से करने के लिए सोचेगा। तो यहाँ कर्मों में ऐसा नहीं होता, कर्मों में जैसा कहा गया वैसा करना पड़ेगा, वहाँ आप आसानी से कर सकते हैं, दूसरा उपाय होने पर भी ऐसा नहीं कर सकता, कूट करके ही निकालना पड़ेगा तो कूट करके ही निकालना। तो अप्राप्त अंश पूर्णम, तो वहां जो अप्राप्त अंश है उसको ये पूरा करता है। क्या अप्राप्त अंश है? कि वैदुष्यस्य ही जो विदुषीकरण है भूसा को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो तो नाना उपाय साध्यत्वात् अनेक उपायों से साध्य है। यदा अवघातम परित्यज्य, तब जो व्यक्ति कूटने को छोड़ करके जो मुसल से करना है वो खल और मुसल से करना है वो छोड़ करके, क्योंकि उसमें परिश्रम ज़्यादा लगेगा, शायद वो परिश्रम के मारे उसको छोड़ देता है, छोड़ करके अन्य अवघातम परित्यज्य उपायांतरम गृहीतुम आरभते, अन्य उपाय को करने के लिए तैयार हो जाता है, तब अवघादस्य अप्राप्तत्वेन, तब अवघाद अप्राप्त हो गया, इसका मतलब वो अवघाद नहीं करेगा वो अन्य करेगा,
अन्य उपाय से करेगा तो अवघात का त्याग हो गया, वो अप्राप्त हो गया। ऐसे में तद विधान नामकम अप्राप्तांश पूर्णेन पूर्णमेव अनेन विधिना क्रियते, तब उसका विधान रूपक ये कहा जाता है कि यदि व्रीही को भूसा से अलग करना है व्रीही न अवहंदी, अवघात के द्वारा ही करना पड़ेगा, तो अवहंदी जो विधान है ये नियम विधि हो जाता है। अन्य करना अन्य रास्ते से उसको करने के लिए आप तैयार हो गए तो उसको रोकता है और इसी रास्ते से उसको करने के लिए बोलता है, अन्य रास्ते का वहां तात्पर्य नहीं होगा। अप्राप्तांश पूर्णमेव अनेन विधिना क्रियते, इतना किया जाता है करने के लिए करता है। अब ऐसे विधि के द्वारा जब हम करेंगे तब जाकर के उसमें अपूर्व उत्पन्न होगा, और अन्य प्रकार से करेंगे तो नहीं होगा। अदश्च नियम विधौ, इसीलिए ये नियम विधि में अप्राप्तांश पूर्णात्मको नियम एव वाक्यार्थः, अप्राप्तांश का पूर्ण नामक जो नियम है वही इसका वाक्यार्थ होता है। मतलब वो आप करने की तैयारी नहीं थे तब उसको कराने के लिए बोला, ये नियम करता है। जहाँ भी नियम होता है वही नियम होता है, जहाँ आश्रम आदि में जहाँ भी नियम करते हैं, नियम का मतलब क्या है, वो करने को आप तैयार नहीं, स्वाभाविक रूप से आप उसको करने को तैयार नहीं है, आपसे कराना चाहते हैं तब उसको नियम रखा जाता है। तो समय का नियम, तो समय से आप कुछ करने को तैयार नहीं, जब मन आया तब करने को तैयार है तो समय छोड़ देता है, इसलिए समय का विधान, और जिस क्रम से करना है वो करने को तैयार नहीं, स्वेच्छा से करने को तैयार है तो क्रम लगता है। तो और भोजन आदि जो भी मिले खाए, जो स्वादिष्ट मिले जैसा मिले खाने की आपको आदत है तो भोजन का नियम, मतलब उनको नहीं खाना इनको नहीं खाना इनको खाना, ऐसे करके नियम, सब जगह नियम यही होता है। नियम का मतलब ये त्याग करके दूसरे को ले लेते हैं, उस स्थिति में इसको वैसा ही करना चाहिए, ऐसा करते हैं। तो ये भी इसलिए सबके लिए कठिन होता है, नियम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, इसका मतलब वो पालन करना नहीं चाहते, हम स्वाभाविक अपने ढंग से करना चाहते हैं। लोग बोलते हैं ना हम स्वतंत्र ढंग से करना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, कि स्वतंत्र क्या रहता है, कोई स्वतंत्र नहीं, मनमानी करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, क्योंकि स्वतंत्र पारतंत्र रहेंगे तो कोई देखेगा अब बोलेगा फिर ये सब करेगा क्या, दूसरे को मालूम हो जाएगा, स्वतंत्र रहेंगे तो आप क्या करते हैं किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसे सोचते हैं, ऐसा करके वो स्वतंत्र हो जाता है, कोई पूछताछ नहीं करना चाहता। तो नियम सुनने से डर जाता है, कारण ये है कि वो आपके इच्छा के अनुसार करने नहीं देता, नियम के अनुसार करने देता है, जो विधान है उसके अनुसार करता है। इस प्रकार से नियम विधि अप्राप्तांश का पूरक होगा, प्राप्तांश को कुछ नहीं करता, अप्राप्तांश का पूरक होगा। प्राप्तांश क्या है, वैदुषीकरण प्राप्त है, वो अन्वय व्यतिरेक से वैदुषीकरण प्राप्त है, उसमें अवघात से करना है ये प्राप्त नहीं है, उसको पूरा करना। पक्षे अप्राप्त अवघात से विधान विधि आवत, तात्पर्य यही हुआ कि पक्ष में जो अप्राप्त है अवघात उसका ये विधान करता है, इसलिए वैदुषीकरण से अदृष्ट जो उत्पन्न होगा वो अवघात के द्वारा करने से ही उत्पन्न होगा, अन्य प्रकार से करने से उत्पन्न नहीं होगा, ये निश्चय होगा। अब ये विधि अत्यंत अप्राप्त हो नियम पाक्षिक सदी, ये जो श्लोक आया है इसमें तत्र च अन्यत्र च प्राप्त हो परिसंख्येति गीयते, दूसरे पंक्ति में कहा। तो अब परिसंख्या के बारे में कहते हैं कि विधि अत्यंत अप्राप्त हो ये हो गया, और नियम पाक्षिक सदी ये दूसरा है, और तीसरा है तत्र च अन्यत्र च प्राप्त हो परिसंख्येति गीयते, ये परिसंख्या का लक्षण। अब ये परिसंख्या एक विशेष विधि है, परिसंख्या में क्या है, ये दोनों ही प्राप्त रहता है, जो प्राप्त है उसमें से आपको चुनना, ऐसे स्थिति में यह दोनों कर सकता है, दो या अधिक भी हो कर सकता है, तो उसमें से आपको ये इतने को ही करना है, अप्राप्त नहीं है, प्राप्त ही कर सकता है, तब उसमें से ये चुनने के लिए करता है, ये परिसंख्या। उभयोश्च युगवत् प्राप्तौ इतर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि, यथा पंच पंच नघा भक्ष्या इति, इदं हि वाक्यं न पंच नघ भक्षण परम, तस्य रागद प्राप्तत्वात् नाभिनियम परम, पंच नखा पंच नख भक्षणस्य युगवत् प्राप्तेः,
पक्षे प्राप्त्य भावाद अदैदं पंच नग भक्षण निवृत्ति परमिति भवति परिसंख्या विधिः पंच नग भक्षण है अदैदम अपंच नग भक्षण निवृत्ति परमिति भवति परिसंख्या विधिः पाठ जोड़ना पड़ेगा। ये पंच पंच नखा रिक्ता है, पंच पहले वाले पंजा के साथ नखा दीर्घ जोड़ना है। पंच नखा पंच नग भक्षणस्य युगपत प्राप्ति, पंच नग अपंच नग दोनों का भक्षण युगपत प्राप्त होने पर, तो नखा पंच पहले पंजा के बाद नखा ऐसा जोड़ना पड़ेगा। पंच पंच दो पंजा है, पहले पंजा के बीच में नखा खा दीर्घ लगाए, दीर्घ घा लगा के आगे पढ़ेंगे तो पंच नख अपंच नखा हो जाएगा। पंचा पंच नख भक्षण से युगवत प्राप्ते है। ये क्या कह रहा है, परिसंख्या विधि है कि इसमें दोनों ही प्राप्त होता है। उभयोश्च युगवत प्राप्तौ, दोनों उभय उभय प्रकार से उभय वस्तु या कैसे भी दोनों प्राप्त हो गए, उभय प्राप्त हो। इधर व्यावृत्ति परो विधि, इधर की व्यावृत्ति करता है, एक को रहने देता है दूसरे की व्यावृत्ति करता है। इधर को व्यावृत्ति करेगा, एक को लेने को रखेगा जिसमें से चुन करके रखेगा, दूसरे को छोड़ देता है, ऐसे विधि को परिसंख्या विधि करते हैं। ठीक है, समय हो गया इसका। ओ oh.